हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम डॉट कॉम माई नेम इज़ रमनदीप सिंह एंड पी एन बी एस ओ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एग्जाम रिजल्ट इज आउट नाउ अभी रिजल्ट जो है आ चुका है एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अपनी प्रिपरेशन को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो आज वही हम डिस्कस करने वाले हैं राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपेयर फॉर द एग्जाम माई सेल्फ मैंने फॉर एक्स स्केल टू का एग्जाम दिया था एंड आई क्रैक द एग्जाम सो दिस इज़ माई रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको मार्क्स वगैरह देखने हों तो वो देख ले मैं तो देखूँगा नहीं राइट सो ऑल आर टीम मेम्बर्स हम सारे लोग जो हैं एग्ज़ाम देने जाते हैं जिस भी एग्ज़ाम में हम एलिजिबल होते हैं वी अपेयर फॉर द एग्ज़ाम जी बी यू का भी एग्जाम देते हैं हम मार्केटिंग सारे एग्जाम देते हैं एंड वी क्रैक मोस्ट ऑफ द एग्जामचुअली सो so, कुछ ज़्यादा तैयारी व्यारी हम लोग यहाँ पे इतनी करते नहीं इस एक पर्टिकुलर एग्जाम्स की सो बिकॉज आई वाज फोकस्ड इन द क्रेडिट क्रेडिट में ज़्यादा फोकस था लेकिन फॉरेक्स के मुझे क्वेश्चंस देखने थे मैंने कभी ज़्यादा देखे नहीं है फॉरेक्स स्केल uh, टू के लेकिन मैं चाहता था कि मैं ये पढ़ाऊँ सो दैट इज़ वाई आई पेड फॉर द एग्जाम आई डिड इट आई cracked it एंड इन द फ्यूचर नेक्स्ट कुछ एक जो है सेशन्स में आई टेल यू की फॉरिक्स में बहुत कम पढ़ाई करके आप पेपर को क्लियर कर सकते हो छः सात टॉपिक्स हैं आप एक हफ्ते में पढ़ के आप पेपर देने जाओ आपका क्लियर होगा कट ऑफ बहुत कम जाती है मैंने अनालिस भी किया था मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी किया था कि रीजनिंग थोड़ा सा टफ आया है और एकट ईजी है तो स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा अच्छा कमेंट तो नहीं किए थे बट दैट्स वॉट इट इज़ मैंने क्यों एग्ज़ाम दिया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेल यू कि ये एग्ज़ाम को क्लियर करना एक्चुअली पॉसिबल है ज़्यादा प्रिपरेशन के बिना भी कुछ ज़्यादा छः सात महीने की तैयारी भी नहीं चाहिए एस के पेपर क्लियर करने के लिए एक डेढ़ महीने दो महीने काफ़ी हैं अगर आप ढंग से पढ़ो अगर आपको पता है कि आपने क्या करना है यू कैन ईजिली इट सो स्टार्ट विद द पर्सनल क्वेश्चन पर्सनल पे आपको फोकस करना है मैरिटल स्टेटस एंड लोकेशन वाई मैरिटल स्टेटस एंड लोकेशन इफ यू आर सिंगल मोस्ट ऑफ यू आर मैरिड राइट सो फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी रहती है क्योंकि उनका मोबिलिटी का इशू रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ यू हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे इज इम्पॉर्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड अगर आपका है ऐसा कि जिसमें यू आर यू हैव बिन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आप मूव करते रहे हो इन द पास्ट देन इट इज़ एक्चुअली पॉसिबल देन इट इज़ पॉसिबल कि दिल सेलेक्ट यू ट्रैक रिकॉर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर मैरिड एंड यू हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यू विल गेट गुड मार्क्स फॉर दैट अदरवाइज अगर आप अपने होम स्टेट में हो शुरू से आपने कभी मूव नहीं किया है चांस थोड़े कम है यू नीड टू जस्टिफाई योर सेल्फ कि क्यों आपको सेलेक्ट किया जाए ओवर अनदर पर्सन चाहे आपके मार्क्स ज़्यादा हैं बट अगर आप मूव ही नहीं कर सकते तो वाई दे शुड सेलेक्ट यू एंड लोकेशन अगेन वही इम्पॉर्टेंट है पी एस यू बैंक्स में लोकेशन का हमेशा से इशू रहा है इवन द फीमेल इम्प्लॉयिज़ आर गेटिंग फार फेज लोकेशन यहाँ पे पंजाब के कैंडिडेट्स को कोटा भेजा जा रहा है दो दो हज़ार तीन तीन हजार, हजार किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है आर यू okay with that do you accept it i mean if you accept it only then uh, they'll select you always say yes to these questions appear for the interviews okay and then experience related questions most of the questions would be from experience Aapke jo experiences hain, whether it's from forex or from the credit ऑल द क्वेश्चन वुड भी रिलेटेड टू एक्सपीरियंस वॉट यू आर डूइंग आपका एक्सपीरियंस है कि उसमें आप पी एस एल में काम कर रहे थे आपने प्रायरिटी सेक्टर के लोन्स दिए हैं आपने गोल्ड लोन दिए हैं इन द पास्ट या आप फॉरिक्स में काम कर रहे थे आप करेंसी में काम कर रहे थे या आप एल सी वगैरह में काम काम ज़्यादा कर रहे थे विच एवर प्रोडक्ट दैट यू आर डीलिंग विद यू नीड टू हैव इन डेप्थ नॉलेज अबाउट दैट वॉट डू यू मीन बाई इन डेप्थ नॉलेज हेयर यू शूड नो द आर बी आई गाइडलाइंस अबाउट दैट प्रोडक्ट और आर बी गाइड गाइडलाइंस के आगे जाके बैंक का पॉलिसी बैंक पॉलिसी वॉट एवर द बैंक पॉलिसी इज देयर फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर बी आई गाइडलाइंस बैंक पॉलिसीज़ यू शुड नो इन डेप्थ अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड योर परफॉर्मेंस योर परफॉर्मेंस आपने क्या परफॉर्मेंस दिए बैंक में वट वॉज योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बैंक आपने क्या बना के दिया बैंक को इट्स नॉट अबाउट कि आप कंपेटेबल हो जॉब के लिए आपने अभी तक क्या किया है इट इज़ स्केल टू आप स्केल वन में क्या उगाड़ के आए हो सो दैट्स इंपॉर्टेंट दैट इज इंपॉर्टेंट यू नीड टू लेट दम नो कि आप कहीं भी जो है शिफ्ट हो जाओगे और आपने ये सब अचीव कर रखा है वॉट एवर द कैंडिडेट्स जो भी जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ पे बैठे हैं जब हम मॉक इंटरव्यूज भी करेंगे दैट्स वॉट आई एम आई एम गोइंग टू टेल यू हर जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है और उनके पास एक्सपीरियंस है वो वेल एजुकेटेड हैं उनको बस अपने स्किल्स को प्रेजेंट करना नहीं आ रहा है ये एक दिक्कत है उनको पता नहीं है कि बोलना क्या है एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स लैग कर रहे हैं सो so, पढ़ना क्या है आप ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हो फॉर द फॉरेक्स लेटर ऑफ क्रेडिट बार बार यूसी पी से क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं एग्जाम में ये आपको आना चाहिए नहीं भी आ रहा है तो भी स्टूडेंट एग्जाम क्रैक किया है लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू पता होना चाहिए आर बी आई सर्कुलर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली द वंस रिलेटेड टू फॉर Uh, the ones related to the you know foreign uh, currency accounts very very important basic banking आपको पता होनी चाहिए derivatives are very important when it comes to the forex और uh, exchange rate and forex business cross rate वगैरह आपको बेसिक uh, जो है अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए बेस करेंसी क्या है वो आपको आईडिया होना चाहिए lras again uh, it's an rbi guideline very very important nri accounts types of nri accounts पता होने चाहिए फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स एंड वट आर द फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंगे सारा इंपॉर्टेंट है ई सी बज़ आर इम्पॉटेंट एक्सटर्नल कमर्शियल बॉर्विंग एफ बी आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉरन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक रूट क्या है ये सारा पता होना चाहिए बैंड uh, कौन सी कैटेगरीज uh, हैं ये पता होना चाहिए रिस्क इन फॉरन ट्रेड रोल ऑफ ई सी जी सी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एग्जिम बैंक आर बी आई एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया और फेमा और फेडाई के रूल्स आपको पढ़ने हैं हमने ऑलरेडी पढ़ाए भी हैं डिटेल में फेमा फिटाई इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गिफ्ट सिटी यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये आपको करने हैं राइट सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर forex एंड इफ़ यू आर एबल टू कवर इट तो आप uh, forex की आपको एक अच्छी खासी नॉलेज आ जाएगी इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फॉर द क्रेडिट ऑफिसर मैं ये सब रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रेडिट से स्टार्ट करें प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग क्रेडिट पॉलिसी टाइप्स ऑफ बॉरर्स ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पे है दैट इज कैश द रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट रेशियो एनालिसिस कैश फ्लो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है उसके बाद बेसिक्स ऑफ डेरिटिव इंपॉर्टेंट है एंड देन कैपिटल बजटिंग इंपॉर्टेंट है राइट right? उसके बाद एक्सपोर्ट फाइनेंस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यूज डॉक्यूमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट आई बी सी सर्फ आई सी वेरी इंपॉर्टेंट आई आर ई सी नॉम्स पढ़ना तो चाहिए आर बी आई सर्कुलर इंटरव्यू में कम ही पूछा जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड आर बी एक्ट ये बार बार पूछे जाते हैं द टॉपिक्स जिसको मैंने सर्कल किया है इंटरव्यूज़ में यही क्वेश्चन बार 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 पूछे जाते हैं और आप इसको अच्छे से पढ़ें एंड पी एन बी एस ओ क्रेडिट जो क्रेडिट और फॉरिक्स का हम कोर्स कर रहे हैं प्रॉपर इंटरव्यू प्रिपरेशन का वी आर स्टार्टिंग विद अ प्रॉपर वन टू वन मॉक इंटरव्यू फॉलोड बाई प्रॉपर वीडियो क्लासेज एंड देन वी आर प्रोवाइडिंग चार्ट सपोर्ट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में सपोर्ट है एंड देन फॉलोड बाय अ लास्ट मॉक इंटरव्यू राइट सो अगर आप कुछ एम सी क्यूज पढ़ के पेपर दे रहे हो ऐसा कुछ कर रहे हो कि मैंने देखा था बहुत सारे स्टूडेंट पाँच सौ छः सौ एम सी क्यूज पढ़ के गए और पेपर देने गए उन उन उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है क्योंकि हो सकता है कि एम सी क्यू वाले ने सारे के सारे टॉपिक्स कवर करे हैं लेकिन देखो चाहे आप पाँच सौ क्वेश्चन पढ़ो चाहे सात सौ क्वेश्चन पढ़ो जब तक आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपनी नहीं करी है तो आप किसी से बात नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप पी एस एल के ऐसे करो पचास क्वेश्चन करके आ जाओ प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग आपने पचास एमसीक्यूज़ कर लिए आप फिर भी आओगे मेरे सामने आओ मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा पी के आपको नहीं पता होंगे जब तक आप टॉपिक को पढ़ोगे नहीं कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर नहीं आओगे आप बात नहीं कर सकते हो उस टॉपिक पे एंड मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि आप रट्टा मार के गए हो जब आप एम सी क्यूज दो हज़ार तीन हज़ार पढ़ के ही पेपर में जाते हो तो ऑप्शंस आपको याद हो जाते हैं कि ये 20 परसेंट करेक्ट आंसर ये 10 परसेंट एडुकेशन लोन आ गया बीस लाख रुपये करेक्ट आंसर बस और पेपर में घुमा के क्वेश्चन आते हैं एंड जब भी क्वेश्चन घूम के आ गया आपको आंसर नहीं आएगा सो वॉट आई हाईली रिकमेंड इज जस्ट Go for the interview preparation course and we'll start with your first mock interview. Link to join the course is available in the description. If there is any doubt in your mind, this is my WhatsApp number 9067201000. Just give me a WhatsApp message here and I'm going to answer all your doubts. And that's all for today, students. I hope you like the today's session. If there is any doubt in your mind, please ask your doubts on my WhatsApp and I'm going to answer your, all your doubts. So that's all for today. Thank you and have a very nice day. Bye-bye.